एक औरत कहाँ तक और किस लेवल तक दर्द सह सकती है, और वो सहती भी इसलिए है कि उसको किसी का सपोर्ट नहीं होता है। आप ये फिल्म जरूर देखिएगा, मुझे बहुत। नमस्कार दोस्तों, स्लमडॉग एंटरटेनमेंट पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे निर्माता डॉक्टर बिमल राज माथुर की मराठी फिल्म अभया का टीजर लॉन्च हुआ। डॉक्टर बिमल राज माथुर ने मराठी फिल्म अभया को लेकर कहा, किसी को इतना भी मत डराओ कि उसके मन से डर ही खत्म हो जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, मराठी सिनेमा हमेशा से कंटेंट वाली फिल्मों के लिए जाना जाता है। एक ऐसी ही रोमांचक कहानी से सजी मराठी फिल्म अभया का टीजर लॉन्च मुंबई में कर दिया गया है। इस क्राइम थ्रिलर का निर्माण डॉक्टर बिमल राज माथुर ने अपने बैनर ग्रेडिएंट इंफोटेनमेंट लिमिटेड के तहत रूपेश डी गोहिल RDG प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से किया है। अभया के निर्माता डॉक्टर बिमल राज माथुर ने कहा कि उनके बैनर ग्रेडिएंट इंफोटेनमेंट लिमिटेड तले कई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। वह जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म, बिजनेस चैनल और म्यूजिक चैनल भी लेकर आ रहे हैं। निर्माता रूपेश डी गोहिल ने कहा कि फिल्म के फर्स्ट शेड्यूल की शूटिंग पूरी कर ली गई है, जबकि दूसरे और अंतिम शेड्यूल की शूटिंग अगले माह होगी। फिल्म दिवाली के अवसर पर मराठी, हिंदी और साउथ की भाषाओं में रिलीज करने की योजना है। अभया की कहानी एक ग्रामीण गृहिणी सावित्री के बारे में है जो अपने बदमाश पति से परेशान है। सावित्री कैसे इन परिस्थितियों का मुकाबला करती है और अंत में क्या होता है, इसके लिए आपको फिल्म देखनी होगी। इस फिल्म में दृश्यम फेम कमलेश सावंत ने कांस्टेबल सावंत का किरदार निभाया है, वहीं योगिता भोसले सावित्री के किरदार में नजर आएगी। फिल्म यूसुफ सूरती द्वारा लिखी और निर्देशित की गई है। फिल्म में बाकी कलाकारों में हर्षा निकम, श्रद्धा वाक और आरोही भोईर के नाम उल्लेखनीय है। फिल्म का संगीत RP सोनी ने तैयार किया है और सिनेमाटोग्राफर बिमल मिश्रा है। महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर आधारित फिल्म घरेलू हिंसा से परेशान एक स्त्री की है। कहा जाता है कि किसी को इतना भी मत डराओ कि उसके मन से डर ही खत्म हो जाए। फिल्म की कथा इसी बात के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म के लेखक निर्देशक का कहना है कि अभया सावित्री नाम की एक महिला की कहानी है जो एक बेखौफ स्त्री है जो दुर्गा का रूप धारण करती है। इसका रहस्य रोमांच दर्शकों को इंगेज करके रखेगा। आइए देखते हैं इवेंट में किन कलाकारों और टेक्नीशियनों ने इस फिल्म के विषय में क्या कहा। Myself हर्षा निकम, अभया इस मूवी में मैं एज अ भूमिका कर रही हूँ ज्योति और सावित्री की फ्रेंड है ज्योति। ज्योति कैरेक्टर ऐसे ही मतलब बहुत ज्यादा लड़ाकू फ्रेंड है उसकी, और सावित्री एज अ मतलब जो भी हमारी रेगुलर हाउसवाइफ रहती है, मतलब बच्चों को स्कूल से लाना, अपना हस्बैंड का सुनना, ये वो सब अपने हस्बैंड की ऑर्डर्स फॉलो करती रहती है। और ज्योति इसकी ऐसी फ्रेंड है कि लाइक अगर थोड़ा सा भी उसका हस्बैंड उस पर मतलब हरासमेंट करे, टॉर्चर करे, उसको फाइट करे, सो ज्योति उसको हमेशा मतलब एक पंच करती रहती है कि तू इससे बाहर निकल। मेरे लिए फर्स्ट मूवी है मराठी का, मराठी हिंदी और ये सारे चारों लैंग्वेजेस में मेरा फर्स्ट मूवी है, जो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग रोल था। जब मुझे सर ने स्टोरी बताई थी तो मुझे ऐसे लगा था कि सारे पिक्चर्स, सारे विजुअलाइजेशंस मेरे सामने आए थे, तो मुझे ऐसे लगने लगा कि अरे एक औरत कहाँ तक और किस लेवल तक दर्द सह सकती है, और वो सहती भी इसलिए है कि उसको किसी का सपोर्ट नहीं होता है। प्रोजेक्ट ये एक मराठी फिल्म है और कमर्शियल मराठी मूवी है, बट सर कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है। अभी तक ऐसी कोई मराठी फिल्म अब तक आपने देखी नहीं होगी, और ये क्राइम थ्रिलर है और इसकी शूटिंग एक शेड्यूल हमने कर चुकी है और अभी दो शेड्यूल में फिल्म कंप्लीट हो जाएगी और कोशिश है कि ये साल रिलीज हो जाएगी। इसमें मराठी के कुछ अच्छे एक्टर हमने कास्ट किए, जैसे कमलेश सावंत है, मराठी के बहुत अच्छे एक्टर है, जो दृश्यम में आपने उनको गाइड डाउन टेकर उन्हें देखा होगा नेगेटिव रोल में, वो उसमें नेगेटिव रोल कर रहे हैं, और भी बहुत एक्टर जुड़ने वाले हैं, इसका अपडेट आपको धीरे धीरे मिल जाएगा। और बाकी मैंने बताया कि फिल्म की कहानी जो है वो एक क्राइम थ्रिलर है और लोगों को बहुत पसंद है, क्योंकि अब तक ऐसी कहानी अब तक लोगों ने देखी नहीं होगी। वन मंथ बैक हमने एक कहानी सुनी थी, मुझे काफ़ी इंटरेस्ट लगा था, और फर्स्ट थिंग इज मैं मराठी में कभी मूवी करा नहीं था, पहले मैं तेलुगु में किया हूँ, हिंदी में किया हूँ, नॉट इन मराठी, चलो एक बार देखते हैं मराठी का कैसा। तकलीफ भी तब तक सहनी चाहिए जब तक हमें, पहले से एक चीज़ कही गई है कि औरतों में सहनशीलता बहुत ज़्यादा, सहन शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, पर वो सहन शक्ति एक जब अपने बच्चों तक आता है या फिर कोई भी चीज़ अपने बच्चों से रिगार्डिंग तकलीफों में आती है, तो माँ कभी दुर्गा माँ बन जाती है, कभी काली माँ बन जाती है। तो उसी तरीके से एक काफ़ी सोबर और काफ़ी सोबर सीधी साधी औरत जब अपने बच्ची को तकलीफ होती है तो किस लेवल पे एग्रेशन अपना दिखाई दे, इसमें आप देख सकते। मैं मराठी कभी किया नहीं था और मुझे प्रपोजल आया था मराठी में, तो मैंने फिर ऐड किया, इसमें हिंदी में भी करेंगे, तेलुगु में भी करेंगे, तमिल में भी करेंगे, तो अभी चार लैंग्वेज में आई।
इससे पहले मैंने काफ़ी डिजिटल एड्स किए हुए हैं, ICICI बैंक, HDFC बैंक और सुविधा के लिए मैंने मॉडलिंग किया हुआ, काफ़ी सारे प्रिंट एड्स किए हुए हैं। मैंने कमर्शियल थिएटर किया है मराठी में, जो नाना पाटेकर जी का झाला अनंत हनुमंत ऐसे एक नाटक था मराठी में, उसे मैंने काफ़ी सारे प्रयोग किए पूरे महाराष्ट्र में। और मैंने कलर्स के लिए मैंने इससे पहले एक सीरियल लीड की है कलर्स मराठी के लिए, और स्टार प्लस के लिए मैंने सपनों से खरन नैना सीरियल की थी इससे पहले। ऐसे काफ़ी सारे छोटे मोटे जो भी किया है लीड में किया है, बस एक भी मैंने फर्स्ट टाइम किया जो मैं एज अ मैन लीड किया हुआ। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे ये स्टोरी मराठवाड़ा की, बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट मैं असमिया आगे बढ़ा। हाँ, क्योंकि ये जो क्या होता है कि हम एक इंडियन फिल्म है, भले मराठी बोले या कोई भी लैंग्वेज बोले, बट जो कल्चर हमें दिखाना था, गांव का कल्चर दिखाना था, अब मराठी का कल्चर हमें लगा कि बहुत अट्रैक्टिव और हमारे लिए इजी करना। और आपने देखा होगा चाहे वो सैराट हो, और भी बहुत अच्छी मराठी फिल्में हैं जो ऑस्कर तक गई है, नेशनल अवार्ड जीता है, तो मराठी का स्कोप अच्छा था और ये सब्जेक्ट जो है वो मराठी कल्चर और बैकड्रॉप को सूट कर रहा था, तो वजह ये थी मराठी करने की। और कुछ डेफिनेटली कुछ फेस्टिवल में हमने प्लान किया है, बट अदरवाइज ये प्लानिंग हम कर रहे हैं थिएटर रील्स की OTT के लिए, बट डेफिनेटली कुछ फेस्टिवल में हम जरूर भेजेंगे। और कहानी इतनी अच्छी है कि हमें उम्मीद है कि ये फिल्म को कुछ ना कुछ अवार्ड जरूर मिलेंगे, ऐसी उम्मीद से मना रहे। मैं इस फिल्म के थ्रू महिलाओं को यही बताना चाहूंगी कि हमने आज तक छोटी बच्चियों से लेके काफी सारी बड़ी लड़कियों जैसे निर्भया हत्याकांड हम सब याद जिंदगी भर याद रखेंगे, उसी तरीके से आज भी काफी सारी छोटी बच्चियां सेफ नहीं है, औरतें सेफ नहीं, तो हमारी खुद की सेफ्टी हमें कैसे रखनी, ये इस फिल्म के माध्यम से आपको पता चलेगा। संदेश तो वही है, कोई नई बात नहीं कर रहे, बट तरीका हमने बहुत अलग चुना है कि औरत को कभी भी इतना दबाना नहीं चाहिए, औरत कोई कमजोर नहीं होती है, औरत अगर अपने पति का या किसी मर्द का इज्जत करती है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है, औरत को कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर औरत अपने पे आ गई और उसके अंदर का डर खत्म हो गया तो उससे खतरनाक कोई नहीं हो सकता, तो इसके लिए एक औरत की इज्जत का, उसके सम्मान का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए, ये एक बड़ा मैसेज फिल्म के थ्रू ये जाता है। बट हाँ, एक थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री के थ्रू हमने मैसेज दिया है ताकि ऑडियंस बोर भी ना हो और एक टिपिकल ड्रामा फिल्म नहीं लगे, इसलिए हमने कुछ एलिमेंट्स डाले कि लोग मजा भी आएगा, थ्रिल भी आएगा और साथ में एक मैसेज भी आएगा। पर्टिकुलर अभी इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये सब्जेक्ट जो है, पहले मुझे यूसुफ जो डायरेक्टर है इसने मुझे सुनाया था तो काफ़ी अच्छा लगा था, बट जैसे हम लोग को प्रोजेक्ट अच्छा होता है पर साथ में सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है किसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छे अच्छे बन जाते हैं बट साथ में उसको आगे बढ़ाना इज नॉट दैट ईजी। तो अचानक से मैंने सर को बोला एक दिन फ़ोन करके कि यार ऐसा ऐसा है, क्या आप थोड़ा सा इसमें आओगे क्या? तो विद इन 5 minutes आई थिंक ही सेड जस्ट गो अहेड एंड दैट्स हाउ वी, आप टीजर देख ही लिया है, तो वी फिनिश विद द फर्स्ट शेड्यूल। अभी सेकेंड शेड्यूल हम लोग कभी भी इस मंथ के एंड तक में शुरू करेंगे, आई थिंक विद इन 2 शेड्यूल हम लोग इस फिल्म को कम्प्लीट करेंगे। और ये फिल्म बेसिकली मराठी में है बिकॉज अब कोर जो इसका जो सब्जेक्ट है वो मराठी है। कमलेश सावंत करके जो दृश्यम के जो है इज अ मेन एक्टर इन, योगिता इज प्लेइंग अ मेन लीड। तो यही है कि ये एक फीमेल एम्पावरमेंट के ऊपर है सब्जेक्ट और बहुत जल्दी इसको हम लोग कम्प्लीट कर देंगे। I love the teaser of the film, मुझे बड़ा अच्छा लगा and I cannot wait to watch it because I love to be reported your character Kalu. So I'm really excited and I'm sure all of you must be as well. हम कोशिश तो कर रहे हैं कि within 3 से 4 महीने फिल्म कंप्लीट हो जाए और ये साल के एंड तक या नेक्स्ट ईयर देखते हैं उसका हम लोग प्लान करें, देखेंगे क्या है, कोई अभी फिक्स नहीं किया हमने, कोशिश ये है 6-8 महीने के अंदर अंदर जितना जल्दी इसको रिलीज हो जाए। तो महाराष्ट्र में हम इसको मराठी में रिलीज करेंगे, उसके बाद ये पिक्चर जैसे तेलुगु तमिल में और लैंग्वेज में डब होके रिलीज का हमारा प्लान चल रहा है। हमारा जो हमारे प्रोड्यूसर विमल माथुर वो हैदराबाद से ही है, तो आंध्रा में भी हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि सैराट के बाद मराठी फिल्मों का मार्केट जो है वो बहुत ही बढ़ गया है और ऐसी कई मराठी फिल्में हैं जो साउथ में जिनका रीमेक हो रहा है,
तो साउथ में भी काफी स्कोप है, इसके लिए हमने सोचा कि फिल्म जब मराठी कर रहे हैं तो उसको डब करके हम साउथ में भी रिलीज करेंगे, महाराष्ट्र एंड साउथ फिलहाल हमने यही टारगेट किया है, पैन इंडिया तो नहीं कहूंगा बट साउथ एंड महाराष्ट्र डेफिनेटली श्योर। लाइक तू कब तक सहेगी, तो अपने आप को मतलब को थोड़ा स्ट्रांग बना, लाइक तो ऐसी लड़की नहीं थी जैसे मतलब शादी से पहले थी, तो शादी के बाद मतलब तो अपने ऊपर इतना सारा अत्याचार क्यों सहन कर रही है, तो यही मतलब मैं उसको हमेशा नैरेट करती रहती, हमेशा उसको पुश करती रहती कि तू तो अपने आप को ना इस सबसे ना मतलब बाहर निकाल। कैरेक्टर की कास्टिंग मेरी यूसुफ सर ने की है, लाइक उन्होंने मेरा ऑडिशन से वो सब मांगा था एंड मेरी लाइक जस्ट मैंने ऑडिशन दिया था और सर ने फिर मुझे एट मोमेंट पे मतलब सिलेक्ट किया है ज्योति कैरेक्टर के लिए। इससे इसके अलावा आई एम एज एन फैशन मॉडल और देन मेरे मराठी सीरियल्स हुए हैं, हिंदी वेब सीरीज हुई है, हिंदी मूवीज हुए हैं, हिंदी सॉन्ग हुआ है, मराठी सॉन्ग हुआ है। सो बेसिकली मैंने मराठी सीरियल्स बहुत ज़्यादा किए हैं, सर के साथ मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है। सो थैंक्स टू रुपेश सर, विमल सर एंड यूसुफ सर जिन्होंने मेरी इस ज्योति कैरेक्टर के लिए कास्टिंग डन की है एंड आई एम वेरी थैंकफुल। मैं ये कहूँगी कि मतलब स्त्री जो होती है ना कि लाइक स्त्री को सब सहना चाहिए, मानते हैं समाज की वो क्या बोलते हैं कहावत है कि स्त्री है, स्त्री का जन्म सहने के लिए हुआ है, लेकिन स्त्री का जन्म सहने के लिए बिल्कुल भी नहीं हुआ है, वो जितना सह सकती है वो उतना किसी को तोड़ भी सकती है। सो हमेशा मतलब कभी भी स्त्री को इतना अंडर एस्टिमेट मत करो उसकी पावर्स को लेके, तो हमेशा स्त्री के रिस्पेक्ट किया। तो फ्रेंड्स स्लमडॉग एंटरटेनमेंट के बॉलीवुड अपडेट में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अपडेट अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें और बने रहे हमारे साथ में बॉलीवुड अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर किसी दूसरे अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।